आज मैं पुस्तक प्रकाशन के ऊपर कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। मेरा नाम कुमार संजय है और मेरी 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो जितने तरह के प्रकाशन हो सकते हैं, परंपरागत प्रकाशन, बड़े छोटे प्रकाशन, सेल्फ पब्लिशिंग, ई बुक, हर फॉर्मेट में मेरी पुस्तकें आई हैं। तो इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं आपका मार्गदर्शन करना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। चलिए अब मुख्य बात पर आते हैं। तो सबसे पहले पुस्तक की शुरुआत कैसे करते हैं, इसके बारे में छोटी जानकारी। किसी भी प्रकाशक के पास पुस्तक भेजने के पहले आपका जो मैटर है, आपकी जो पुस्तक है, वो टाइप फॉर्म में होनी चाहिए। आजकल कोई भी पब्लिशर हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट को स्वीकार नहीं करता। वो चाहता है कि आप उसे टाइप्ड मैटर भेजे ताकि उसका भी समय बचे। अब ये टाइप कैसे करना पड़ता है, तो A4 साइज में मार्जिन छोड़कर हम टाइप करते हैं। अगर हिंदी में हम टाइप कर रहे हैं तो कृत्युदेव 10 में फॉन्ट साइज 14 में टाइप किया जाता है। अगर यूनिकोड में टाइप करते हैं तो 11 या 12 फॉन्ट साइज होना चाहिए। अगर इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट पर टाइप करते हैं। तो टाइप को लेकर इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम जान लें कि पुस्तक की फॉर्मेटिंग करते कैसे हैं। तो शुरू में हम लगभग 8 पेजेस छोड़ते हैं। उस 8 पेज में हम मैटर कैसे एडजस्ट करते हैं ये देखें और समझें। पूरा मैटर हम MS वर्ड में टाइप करते हैं और ओपन फाइल रखते हैं ताकि बाद में जब हम पब्लिशर को भेजते हैं तो वह अपने अनुसार उसे डिजाइन कर सके। अब मैं आपको ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, परंपरागत पब्लिशिंग प्रकाशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। एक एक करके मैं सभी प्रकाशनों के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले ट्रेडिशनल पब्लिकेशन, परंपरागत प्रकाशन के बारे में जान जाइए। ट्रेडिशनल पब्लिकेशन या पब्लिशर्स दो तरह के हैं। परंपरागत पब्लिशर दो तरह के हैं। फर्स्ट, बहुत ही रेपुटेड, बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशक, बड़े प्रकाशक। ये बड़े प्रकाशक क्यों हैं? तो पहली बात कि ये पुस्तक प्रकाशित करने के लिए पैसा नहीं लेते। दूसरा, ये लेखकों को 10% रॉयल्टी देते हैं। बड़े प्रकाशकों से छपवाने का फायदा क्या है? पहला फायदा है कि लेखक तुरंत में प्रतिष्ठित लेखकों की श्रेणी में आ जाता है। सेकेंड, आपको रॉयल्टी मिलती है। थर्ड, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे साधारण प्रकाशक से हम पुस्तक छपवाते हैं तो उसे अवार्ड के लिए कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर प्रतिष्ठित प्रकाशक से पुस्तक छपी हो तो वह ज़्यादा वेट कैरी करता है। तो तीसरा फायदा है कि किसी अवार्ड के लिए अगर हम पुस्तक भेज रहे हैं तो वह थोड़ा ज़्यादा ध्यान खींचता है। चौथा फायदा है, क्योंकि ये बड़े पब्लिशर हैं तो ये
लेखकों की पुस्तकों को खुद ही लाइब्रेरी वगैरह में भेजते हैं और भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में इनके जो आउटलेट होते हैं वहां पर आपकी बुक आ जाती है। तो आपके पुस्तक को बहुत वाइड रीडर्स मिलते हैं। और पांचवी जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है, बड़े प्रकाशकों का अपना स्टैंडर्ड होता है, उनके पब्लिकेशन का क्वालिटी बहुत हाई होता है। कोई भी आप प्रतिष्ठित पब्लिशर की पुस्तक उठाकर देख लें, आपको बहुत क्लियर पता लग जाएगा कि यह किसी प्रतिष्ठित प्रकाशक ने छापा है। उसका जो डिजाइनिंग होता है, उसका जो फॉन्ट यूज होता है, जैसे पूरी पुस्तक को प्रस्तुत करते हैं, सामने लाते हैं, वो बहुत अच्छा नजर आता है, वो बहुत वेट कैरी करता है। तो बड़े प्रकाशक से छपवाने की ये पांच फायदे हैं। अब इसका फ्लिप साइड, इसका निगेटिव साइड, बड़े प्रकाशक क्योंकि फ्री में पुस्तकें छापते हैं तो इनके पास हमेशा बड़े और प्रसिद्ध लेखकों की लाइन लगी रहती है, तो नए लेखकों पर ये उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। सेकंड, बड़े प्रकाशकों के यहां पुस्तक छपवाना टेढ़ी खीर है। क्यों टेढ़ी खीर है? तो पहले ये जान लीजिए कि पहले हमें पुस्तक का सिनॉप्सिस भेजना रहता है। उस सिनॉप्सिस के आधार पर वे सिनॉप्सिस अपने एक्सपर्ट्स को देते हैं, एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय देते हैं। अगर वो पुस्तक अप टू मार्क हुआ, उनके स्तर का हुआ, तब ये प्रकाशन की प्रक्रिया में लाते हैं। एक रफली मान के चली कि एक्सपर्ट एक साल से पहले अपनी राय नहीं देते, और बड़े प्रकाशकों के यहां से पुस्तक छपने में 3 से 5 साल लगना बहुत आम बात है। तो अगर किसी में 5 साल का धैर्य है तो अच्छी बात है। तीसरी बात, ये जो रॉयल्टी देते हैं 10%, ये बहुत ही कम है अगर ईमानदारी से कहा जाए तो। एक लेखक इतनी मेहनत करके पुस्तक लिखता है, जी जान लगा देता है, और उसे कितना मिलता है? तो 10%। अर्थात अगर पुस्तक का मूल्य 300 है तो लेखक को मात्र 30 रुपये मिलता है। 300 की पुस्तक पर मात्र 30 मिलना कोई बहुत अच्छा रिटर्न तो मैं नहीं मानता हूं। अब बड़े प्रकाशकों के यहां पुस्तक भेजने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले तो आपको उसके साइट पे जाना होगा और वहां आपको देखना होगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या बोलते हैं। वैसे साधारण तौर पे 3-4 बातें वे बोलते हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला, वो बोलते हैं कि 2000 शब्द में आप अपने बुक का सिनॉप्सिस लिखें। सेकंड, आप अपना परिचय 200 शब्दों में लिखें। एंड तीसरी बात, आप अपना नाम, पता, क्वालिफिकेशन, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, सभी कुछ उन्हें दें। तो ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, लगभग सभी पब्लिशर ये मांगते हैं। अब एक कड़वी बात, अगर आप बहुत पावरफुल पोस्ट पर हैं या आपकी बहुत बहुत ऊपर तक है, तब तो ये बड़े प्रकाशक आप पर ध्यान देंगे, वरना ज्यादातर प्रकाशक तो रेस्पॉन्ड भी नहीं करते। खासकर हिंदी प्रकाशक तो बहुत कम ही रेस्पॉन्ड करते हैं। अब मैं आपको अच्छे प्रकाशकों की सूची दे रहा हूं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी में बहुत कम प्रकाशक हैं, तो जो मुख्य प्रकाशक हैं, जो हिंदी की साहित्यिक पुस्तकें छापते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यान दें। मेरी यह पुस्तक वितास्ता से प्रकाशित हुई है।
जो कि काफ़ी बड़ा नाम है, ऊंचा नाम है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों पुस्तकें प्रकाशित करता है और हर तरह की पुस्तकें प्रकाशित करता है। लेकिन इस पुस्तक को प्रकाशन करने में वितास्ता ने लगभग 2-2.5 साल का समय लिया। वैसे एक पॉजिटिव बात बता दूं और कि अगर आपने जो सिनॉप्सिस भेजा और आपका जो शीर्षक है, आपने जो लिखा है, वो बहुत आकर्षक है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अपीलिंग है, तब ये बड़े प्रकाशक भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपकी पुस्तक छपने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप वही परंपरागत लिखते हैं जैसा सब चला आ रहा है, तब बड़े प्रकाशकों के यहाँ आपकी पुस्तक छपेगी, इस पर डाउट है। दूसरा लिस्ट मैं दे रहा हूँ अंग्रेजी के बड़े प्रकाशकों का, ये अंग्रेजी की पुस्तकें छापते हैं। इसमें से कई प्रकाशक हैं जो अंग्रेजी के अलावा हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। ये सिर्फ साहित्यिक किताबें नहीं छापते, ये सभी टॉपिक पर पुस्तकें छापते हैं। वह टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, लिटरेचर, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये बड़े पब्लिशर हैं, तो आप जो पुस्तक लिख रहे हैं, आपके मैटर में दम होना चाहिए, कुछ नई बात होनी चाहिए, नई जानकारी से भरी हुई होनी चाहिए, तब ये आपकी पुस्तक को प्रकाशित करेंगे। इसमें पुस्तक के कैसे भेजते हैं, इसके लिए भी आप इनके साइट्स पर जाइए और देखिए कि ये क्या मांग रहे हैं। वैसे जो इसके पहले मैंने बताया वही बातें यहां भी लागू होती हैं। अब मैं दूसरे ग्रुप के पब्लिशर्स के बारे में बात करता हूँ। ट्रेडिशनल पब्लिशर ही हैं, लेकिन एक इनका एक दूसरा ग्रुप है, ये पैसा लेकर छापते हैं, तो इनके बारे में इनका प्लस जान जाइए आप। पहला प्लस है कि आपने कुछ भी लिखा है, ये उसको छापेंगे, इनको पैसा कमाने से मतलब है। सेकंड, ये साधारण तौर पर 3 महीने से 1 साल का समय लेते हैं, मतलब जल्दी ही हुआ कि आपकी पुस्तक 1 साल के अंदर प्रकाशित होकर आ जा रही है। थर्ड, ये अपनी तरफ से आपकी पुस्तक को डिजाइन करते हैं, उसका कवर भी डिजाइन कर देते हैं और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते। फोर्थ, ये भले ही पैसा लेकर छापते हैं, लेकिन इसमें भी कई तरह के प्रकाशक हैं, इनके भी कई स्तर हैं, तो अगर ये ऊंचे स्तर के प्रकाशक हुए तब आपकी किताब हर जगह सर्कुलेट हो जाएगी, हर छोटे बड़े शहर में, बड़े बुक स्टॉल में आपकी पुस्तक आ जाएगी, लाइब्रेरी में भी ये सप्लाई करते हैं। इसका निगेटिव साइड क्या है, आपसे ये जितना पैसा लेते हैं उसके एवज में ये आपको पुस्तक देते हैं, मे बी वो पुस्तक 200 हो, 300 हो, 500 हो, वह शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है और उसके अनुसार वो पैसा लेते हैं। तो एक बार इन्होंने जो आपको पुस्तक दे दी, उसके बाद रॉयल्टी का कोई प्रश्न नहीं उठता, वो आपके ऊपर है कि आपको जितनी पुस्तक मिली है आप उसको कैसे सेल कर रहे हैं, कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक आम लेखक के लिए, एक आम आदमी के लिए अपने बलबूते पर पुस्तक को सर्कुलेट करना बहुत कठिन काम है। सेकंड, आपके हाथ में पुस्तक तो आ जाती है, लेकिन आपकी पुस्तक बाहर मार्केट में कितनी सर्कुलेट हुई है, लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल नहीं मिलती। थर्ड, कुछ प्रकाशक आपकी पुस्तकों को सोशल प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, कुछ नहीं भी लाते हैं,
तो जब आप पब्लिश करा रहे हैं तो शुरू में ही आपको क्लियर करना होगा कि वो पुस्तक आपके सोशल साइट्स पे ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। उन्हें लाना चाहिए, आपको ऐसे ही प्रकाशक तलाशने चाहिए जो आपकी पुस्तकों को ई बुक के रूप में भी सोशल साइट्स पर लाएं। वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये जो ट्रेडिशनल प्रकाशक हैं ये कितना पैसा लेते हैं? रफली मान के चलिए 15,000 से लेके 1-2 लाख तक लेते हैं। अगर आपकी पुस्तक ब्लैक एंड व्हाइट हुई तो ये कम पैसा लगेगा, अगर ये कलर्ड बुक हुआ तो काफी ज्यादा पैसा लगेगा। तो अगर मान लीजिए आपने इन्हें 20,000 दिया तो ये 20,000 की पुस्तकें आपको देंगे। पुस्तकों की संख्या जैसा मैंने बताया 200 से लेके 1,000 हो सकता है। क्या इनसे पुस्तक प्रकाशित करने से कुछ फायदा है? अगर ईमानदारी से बोलूं तो पैसे के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार ये आपको सिर्फ पुस्तक दे दे रहे हैं तो पैसे के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल फायदा नहीं है। हाँ, दिल को एक तसल्ली है कि मेरी पुस्तक छप गई है। हाँ, और अपनी पुस्तक देखकर अच्छा तो लगता ही है। जो बीच वाले श्रेणी के पब्लिशर हैं मैं उनकी भी लिस्ट आपको दे दे रहा हूं। आप गूगल से इनका ईमेल आईडी या इनका एड्रेस चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको आप अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। ये जो पुस्तकें आप देख रहे हैं ये पैसा देकर इन्हीं पब्लिशर से प्रकाशित की गई हैं। ये पुस्तक शिल्पायन से प्रकाशित है, ये नमन प्रकाशन से है, ये आयन प्रकाशन से है, ये शिल्पायन से है, और ये नमन प्रकाशन से है। तभी जो मैंने पुस्तकों को दिखाया ये सभी पैसा देकर मैंने प्रकाशित करवाया है, और फिनेंशियली मुझे इनसे कोई फायदा नहीं हुआ है। ये मेरी शुरू की पुस्तकें हैं, मैंने उसे बहुत वाइडली सर्कुलेट किया। इन पुस्तकों ने मुझे बस इतना हेल्प किया कि चूंकि मैंने बहुत वाइडली सर्कुलेट किया और इनकी समीक्षाएं बहुत अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन्स में आई, तो मुझे इन पुस्तकों ने इस्टैब्लिश किया एज ए ऑथर। अब मैं आता हूँ सेल्फ पब्लिशिंग पर। यह अभी का बहुत ही पॉपुलर मेथड है पुस्तक प्रकाशित करने का। सेल्फ पब्लिशिंग मतलब खुद से बुक पब्लिश करना। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मात्र एक दिन में, जी हाँ, मात्र एक दिन में आपकी पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अपर लिमिट है। आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट अगर प्रॉपरली टाइप्ड है तो ये 1 सप्ताह के अंदर उसे पब्लिश कर देंगे। ये अभी की बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एक्चुअली होता ये है कि ये पुस्तक को अपने कंप्यूटर पर डिजाइन कर देते हैं, और रीडर्स जैसे आप देखते होंगे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे, कभी भी आप कोई बुक ऑर्डर करते हैं तो इनके पास पहले से वो बुक पब्लिश करके नहीं रखी रहती। ये अगर एक बुक का ऑर्डर आया तो बस ये एक बुक पब्लिश करके उसे भेज देते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये सेल्फ पब्लिशिंग वाले कई तरह के पैकेजेस रखे हुए हैं। हर पैकेज का इन्होंने अलग अलग नाम दे रखा है। नाम चाहे कुछ भी हो लेकिन एक मोटा मोटी आप जान लीजिए कि एक बेसिक होता है, एक मिड रेंज का होता है, और एक हाई रेंज का हुआ। बेसिक मतलब हुआ कि ये आपसे उतना पैसा लेंगे, आपके पुस्तक को डिजाइन कर देंगे और उसको पब्लिश कर देंगे, उसको सोशल साइट्स पर ले आएंगे। लेकिन आपको ये उसकी एक भी प्रति नहीं देंगे। आपको जितनी खरीदनी है आप इनको ऑर्डर कीजिए,
तब ये आपको उतनी प्रति देंगे। तो जो बेसिक प्राइस कितना होता है, तो सेल्फ पब्लिशिंग में भी बहुत तरह के पब्लिशर्स हैं, लेकिन साधारण तौर पे 10,000 से लेके 25,000 का रेंज है। तो ये जो पैसा ले रहे हैं ड्यूरी मेंबर बनते हैं, इसके एवज में आपको ये एक भी कॉपी नहीं देंगे, या हो सकता है शायद एक दो कॉपी दे दें, लेकिन ये दे रहे हैं आपके बुक को डिजाइन करने के लिए, सोशल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और अपने पास संभाल कर रखने के लिए कि जब भी कोई ऑर्डर आए तो उसे ये पब्लिश करके भेज सकें। बस ये उसका पैसा ले रहे हैं। जो मिडिल रेंज का प्राइस हुआ, एक रफली मान के लिए चलिए 26,000 से लेके 75,000 के बीच, उसका क्या बेनिफिट है? इसमें वे तरह तरह की सुविधाएं देते हैं, जैसे कि आपका बुक लॉन्च प्रोग्राम करवाएंगे, आपके बुक्स की रिव्यूज कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन्स में छपवाएंगे, प्लस कुछ जो बड़े बड़े बुक स्टॉल्स हैं, बड़े नाम हैं, वहाँ पर आपकी बुक उपलब्ध करा देंगे। जो टॉप वाला है 75,000 से लेके 2.5 लाख, वो क्या है भाई, वो सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। वो है कि आपके पास आइडियाज़ है लेकिन आप लिख नहीं सकते, तो बस आप इनको अपना आइडियाज़ बताइए, ये अपने लेखक से उसको लिखवा देंगे। नाम आपका होगा लेकिन ये अपने लेखक से लिखवाएंगे और इसे आपके नाम से पब्लिश करेंगे। अंग्रेजी में इसे घोस्ट राइटिंग कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, कई बड़े फ्रीलांसर लेखक भी घोस्ट राइटिंग का काम करते हैं। ये एज अ करियर बन के भी सामने उभरा है, कुछ पब्लिकेशन हाउस घोस्ट राइटर रखे हुए हैं। और ऑनेस्टली मैं भी घोस्ट राइटिंग का काम करता हूँ, किया हूँ। बाकी सुविधाएं पहले की तरह कि उसको बुक लॉन्च करवा देंगे, पब्लिसिटी दे देंगे, बुक रिव्यूज लिखवा देंगे, बुक स्टॉल्स पर ले आएंगे, वगैरह वगैरह। सेल्फ पब्लिशिंग के द्वारा पुस्तक प्रकाशन करने के फायदे क्या हैं? तो फायदा, आपकी किताब तुरंत छप जा रही है, आपको वेट नहीं करना है, एक महीने के अंदर आपकी पुस्तक प्रकाशित हो जाती है। सेकेंड, आपको डिजाइन करने का कोई चक्कर नहीं है। थर्ड, आपको पुस्तक रखने का कोई हेडेक नहीं है, आपको जितनी प्रतियां चाहिए आप इनको ऑर्डर कीजिए, ये आपको भेज देंगे। सेल्फ पब्लिशिंग का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, आपकी पुस्तक विद इन 1 वीक प्रकाशित होकर आ जाती है। एंड वास्तव में सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि आदमी जब कोई पुस्तक लिखता है तो वह चाहता है कि उसकी पुस्तक जल्दी से मार्केट में आए, जल्दी से रीडर्स के पास पहुंचे। तो सेल्फ पब्लिशिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आपकी पुस्तक तुरंत छप जाती है। फ्लिप साइड, इसका निगेटिव साइड क्या है? निगेटिव साइड ये है कि आपसे ये जो भी रकम लेते हैं, बड़ी रकम लेते हैं, 15,000 से 25,000, 30,000, तो इसके एवज में आपको एक भी पुस्तक नहीं देते। दूसरी, आपकी पुस्तक के लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं कराते। थर्ड, आपकी पुस्तक बुक स्टॉल पर नजर नहीं आती। फोर्थ, जो कटु सत्य हैं, पुस्तक प्रकाशन के पहले ये बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी पुस्तक प्रकाशित होती है ये सीन से गायब हो जाते हैं। उसके बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सुनने वाला नहीं रहता। एंड फिफ्थ, हर छोटी से छोटी गलती को सुधारने के लिए इनका प्राइस है, और अच्छा खासा प्राइस है। आपने पुस्तक प्रकाशित करवा ली और उसके बाद लगा कि ये जगह 5-6 जगह गलतियां हैं या 10 जगह गलतियां हैं, आपको करेक्शन करवाना है, ये मुफ्त में उसे नहीं सुधारेंगे, आपसे फिर एक अच्छी रकम लेंगे उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। सेल्फ पब्लिशिंग में एक और प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं DIU, डू इट योर सेल्फ। इसमें एक भी पैसा नहीं लगता, आप खुद ही पुस्तक को डिजाइन कीजिए,
कवर डिजाइन कीजिए, सब कुछ आप खुद डिजाइन कीजिए और फिर इनके पास आप भेजिए। अगर ये आपकी पुस्तकों को अप्रूव कर देते हैं तब तुरंत में ये सुसर प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। तो मेरी कई पुस्तकें हैं जो इस चैनल के थ्रू पब्लिश हुई हैं, जिसमें मेरा एक भी पैसा नहीं लगा है। जैसे मैं आपको कुछ पुस्तकें दिखा रहा हूं, क्या सेल्फ पब्लिशिंग से पैसा कमाया जा सकता है? अगर आपने शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया है तब तो पहले मूल आपको निकालना पड़ेगा, आपकी पुस्तकें बिकेंगी तब, उसके बाद जितनी पुस्तकें बिकनी शुरू होंगी तब आपको पुस्तक की रॉयल्टी मिलेगी। और पुस्तक की रॉयल्टी कितनी मिलती है, ये दो तरह से है। अगर आपने पैसा लगाया है तब ये बोलते हैं कि 100% रॉयल्टी आपको देंगे, लेकिन ये 100% थोड़ा ट्रिकी है। आपकी बुक पब्लिश करने के पहले ये आपको बता देते हैं कि पुस्तक पर लागत कितनी आ रही है। मे बी पुस्तक पर लागत आ रही है 100 रुपीज। फिर ये बोलते हैं कि आपको ये किस दाम पर देंगे, तो ये फिर से थोड़ा सा अपना मार्जिन रखते हैं उसमें, ये अपना प्रॉफिट रखेंगे। मे बी ये बोलेंगे कि आपको हम 150 में ये पुस्तक देंगे। फिर ये बताते हैं कि आपको पुस्तक का मूल्य कितना रखना है। तो मान लीजिए इन्होंने बताया 200, तो 200 के ऊपर आप जितना रखिए, मे बी आप रख रहे हैं 250 या 300। अब ध्यान दीजिए, जो ये बताए कि इसके ऊपर आपको पुस्तक का मूल्य रखना है उसी पर आपको रॉयल्टी मिल रही है या उसी को ये 100% बोल रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 200 से नीचे आप प्राइस नहीं रख सकते, तो आपने रखा 250, तो ये जो 50 रुपीज हुआ इसको ये बोलते हैं 100%, ये आपका हुआ। अगर आपने 300 रखा तो वो 100 रुपीज जो आपके हाथ में आ रहा है वो आपका हुआ, इसे ये 100% बोलते हैं। लेकिन अभी भी बात बन नहीं रही, इसमें और कुछ समझने की जरूरत है। जैसे मे बी आपने कोई पुस्तक लिखी 125 पेजेस की, तो ये बताते हैं कि मे बी उस पर लागत आई 100 रुपीज, आपको ये 150 में देंगे, आप इसका मूल्य 200 से नीचे नहीं रख सकते, उसे ज़्यादा रख सकते हैं, तो मे बी आपने पुस्तक का मूल्य रख दिया 250। अब ये ध्यान दीजिए कि 125 पेजेस की पुस्तक आपने मूल्य तो 250 रख दिया, ऊपर से ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे उन्हें एक्स्ट्रा 50 पे करना पड़ेगा, जो भी रीडर है वो उसको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस 50 रुपीज़ देना होगा। तो 125 पेजेस की पुस्तक को कोई 300 रुपया देकर खरीदेगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है, ये सोचने की बात है। अब मैं आपको ई बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ई बुक जिसे हम मोबाइल पर, टैब पर या लैपटॉप पर पढ़ते हैं, आजकल जितनी भी पुस्तकें हैं सभी ई बुक के रूप में आ गई हैं और यह छात्रों में, नई पीढ़ी में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब किताब के ऊपर 300, 500, 1000 रुपये कौन खर्च करेगा? अगर वही पुस्तक अगर मेरे टैब पर या मेरे मोबाइल पे 50 या 100 रुपये में मिल जाए, इसीलिए नई पीढ़ी टैब पर या मोबाइल पर या लैपटॉप पर पुस्तक पढ़ना पसंद करती है और मेरी समझ से ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इसका एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है किंडल। अगर आप थोड़ा टेक्निकली साउंड है तो आप खुद ही अपनी पुस्तक को ई बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एमएस वर्ड में आपने टाइप किया, उसे पीडीएफ में सेव किया, फिर किंडल का एक अपना सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसे किंडल के प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं।
इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें आपका एक पैसा लागत नहीं लग रहा है। दूसरा, क्योंकि ई बुक के रूप में है, जो प्रकाशक है जैसे अमेजॉन हुआ, अमेजॉन का ही किंडल है, तो उसको भी एक पैसा नहीं लग रहा, वो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे ले आया है। तो आपको वो बोलता है कि मैं आपको 70% रॉयल्टी दे रहा हूं। नेचुरली ई बुक के रूप में प्राइस ज्यादा आप नहीं रख सकते, नहीं तो कौन खरीद कर पड़ेगा। 100 रुपये की पुस्तक या अप टू 150 रुपये तक की पुस्तक को आदमी खरीदने में सोचता नहीं है। तो ज़्यादातर ई पुस्तकें 50 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में मिलती हैं। तो मैं मान लीजिए हमने अपनी ई बुक का मूल्य रखा 100 रुपया, तो ये एग्जैक्ट 70 रुपया तो हमें नहीं देते, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म के रूप में कुछ चार्जेस ले लेते हैं, अपना सर्विस, अपने सर्विस के लिए कुछ पैसा लेते हैं। तो एक रफली मान के चलिए कि ये 30 या 40 रुपीज लेते हैं, तो जो बाकी बचा 60 रुपीज, तो 60 रुपीज का 70% मतलब 42 रुपीज, तो ये आपको एक पुस्तक पर 42 रुपीज दे देंगे। तो अगर आपकी 100 पुस्तकें बिकती हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो आपको 4200 मिलेगा। अगर आपकी पुस्तक क्लिक कर जाती है, तो स्वाभाविक है कि 100 क्यों, वो कई हजार में सेल हो सकती है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। ई बुक प्रकाशित करने का और एक फायदा है, एक्चुअली आजकल पेपर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो अगर आप परंपरागत तरीके से पुस्तकें छपवाते हैं तो नेचुरली एक उसका कॉस्ट काफी हाई जाएगा। आजकल किसी भी पुस्तक आप देख लीजिए 250, 300, 400, 500 इस तरह के मूल्य होते हैं। तो कोई भी कोर्स के बाहर की पुस्तकें इतना मूल्य देकर क्यों खरीदेगा, कोई नहीं खरीदता, ईमानदारी से बोलो तो, अनलेस कि वो बुक अवॉर्डेड है या कंट्रोवर्सियल है या किसी बहुत बड़े लेखक की है, तभी वो पुस्तक खरीदी जाती है, वरना कोई उतना पैसा देकर नहीं खरीदता। हिंदी में तो बिल्कुल नहीं खरीदता, अंग्रेजी में अभी भी लोग खरीद कर पढ़ते हैं। ई बुक के रूप में चूंकि पेपर का कुछ कॉस्ट लग नहीं रहा है, तो सेम चीज बहुत कम कीमत पर किंडल के प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, स्वाभाविक है कि लोग उसे पढ़ना पसंद करेंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या पुस्तक प्रकाशन से पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। जब इतने लोग पुस्तक प्रकाशन से पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? लेकिन इसके लिए जरूरी है इन बातों को ध्यान में रखना। इसके लिए जरूरी है कि हमारा कंटेंट ओरिजिनल हो, हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हो। सेकंड, हमारा कंटेंट यूनिक और पावरफुल हो, दमदार हो, सबसे अलग हटकर हो, उसमें कुछ नई बात हो, हमारे कंटेंट का दायरा व्यापक हो, मतलब उसे ज्यादा से ज्यादा पाठक पढ़ें, ऐसा टॉपिक हो जो सबके इंटरेस्ट का हो। फोर्थ, सिर्फ अच्छा लिख लेना या प्रकाशित कर लेना काफी नहीं है, उसका सही ढंग से प्रचार और प्रसार करना भी बहुत जरूरी है। एंड पांचवा, भाग्य का भी थोड़ा बहुत साथ होना बहुत जरूरी है। और एक बात, अगर पैसा कमाना है तो पुस्तक को उसी उद्देश्य से लिखना होगा, हमारा टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए जो सेंसेशनल हो, अलग हटकर हो। जैसा सभी कोई लिख रहे हैं, अगर वैसा ही है, उसी तरह का हम टॉपिक लिख रहे हैं, तो फिर हम पैसा नहीं कमा सकते। साहित्यिक, नैतिक, धार्मिक, जीवनी वगैरह लिख कर हम पैसा नहीं कमा सकते। अब पाठकों का इंटरेस्ट बदल गया है, जब तक कुछ सेंसेशनल नहीं है, जब तक कोई नई बात नहीं है, जब तक कुछ सॉलिड नई जानकारी नहीं है, लोग किताब नहीं खरीदते। तो इसलिए जरूरी है कि अगर पैसा कमाना है तो
तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स लिखना होगा और उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। मैं कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ, ये टॉपिक्स बहुत नॉनसेंस लग सकते हैं लेकिन ये टॉपिक बहुत सेंसेशनल है। अगर इन टॉपिक्स पर पुस्तक लिखी जाए तो इसका रीडरशिप बहुत व्यापक होगा, लोग इसे खरीदेंगे, पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक हिंट्स है, इसके आधार पर आप अपने सेंसेशनल टॉपिक खोजिए, रिसर्च कीजिए और लिखिए, बेस्ट सेलिंग बुक लिखिए। और एक बात, आप अक्सर यूट्यूब पर या फेसबुक पर ऐसे स्पीकर्स को सुनते हैं जो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनाने का दावा करते हैं, क्या ये सही है? नॉनसेंस है। लुक हियर, डॉक्टर सिर्फ विज्ञापन के बल पर बेस्ट डॉक्टर नहीं हो सकता। कोई भी प्रोफेशनल सिर्फ विज्ञापन के बल पर टॉप में नहीं पहुंच सकता, उसमें अंदर से कुछ सॉलिड स्टफ होना चाहिए। अगर वह डॉक्टर बहुत अच्छा है उसका नाम होगा, लोग उसके पास जाएंगे। अगर वकील बहुत अच्छा होगा लोग उसके पास जाएंगे। सिमिलरली वो चाहे कितना भी विज्ञापन कर ले, जितना ट्रिक्स बताए, जब तक कि हमारे लिखने में पावर नहीं है, जब तक कि हमने कुछ सॉलिड नहीं लिखा है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिखा है, कोई विज्ञापन काम नहीं करने वाला, कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला। तो सबसे पहले जरूरी है हमें अपने लेखन पर ध्यान देने की। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप बेस्ट सेलिंग ऑथर बनिए। और अगर आपको लेखन संबंधी, प्रकाशन संबंधी अगर कोई भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाता क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्लासेस में रहता हूं और मैं बहुत बिजी रहता हूं। लेकिन हाँ, आपके जो भी प्रश्न होंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं। हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।